कि पहले 9th क्लास स्टूडेंट एंड 10th क्लास स्टूडेंट को कौन कौन से पोर्शन को पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो इजी पोर्शन बताऊंगा, मॉडरेट पोर्शन बताऊंगा एंड टाइम टेकिंग एंड थोड़ा लेंदी है, ठीक है, लेंदी प्रोसेस है उसमें, है ना। थोड़ा टाइम जब सॉल्व करोगे तो टाइम दे के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इजी पोर्शन की बात करेंगे तो 9th क्लास के लिए, ठीक है, इजी पोर्शन की बात करेंगे तो नंबर सिस्टम, पॉलीनोमियल्स, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स एंड हेरोंस फार्मूला, ठीक है, इजी पोर्शन में इंक्लूड इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड मॉडरेट पोर्शन की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ट्रेंगल्स, कंस्ट्रक्शन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ठीक है। इसमें 5 चैप्टर्स इंक्लूड है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ट्रेंगल्स, कंस्ट्रक्शन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ठीक है। एंड मॉडरेट टाइम टेकिंग पोर्शन, टाइम टेकिंग पोर्शन की बात करेंगे तो ट्रेंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, ट्रेंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, टाइम टेकिंग प्रोसेसेस। तो ये 9th के जो स्टूडेंट है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड 10th क्लास स्टूडेंट की बात करें तो इसमें इजी पोर्शन, इजी पोर्शन की बात करेंगे, रियल नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, एरिया रिलेटेड सर्कल, एरिया रिलेटेड सर्कल एंड स्टैटिक्स। एंड इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, है ना, इजी पोर्शन 10th क्लास। एंड मॉडरेट पोर्शन, पॉलीनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पॉलीनोमियल्स आपको सॉल्व करना है, ठीक है, मॉडरेट पोर्शन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। एंड टाइम टेकिंग पोर्शन की बात करें तो ट्रेंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री एंड एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। टाइम टेकिंग पोर्शन थोड़ा इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप क्या करोगे, इजीली इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ट्रेंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री एंड एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।